2018 में आई कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की एक लो बजट वाली फिल्म जिसने लोगों से बहुत सारा प्यार बटोरा और मात्र 80 करोड़ में बनने वाली केजीएफ फिल्म ने लगभग 300 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई करने में कामयाब रही और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हुई। वही दोस्तों केजीएफ का क्रेज लोगों में इतना बढ़ गया था कि फैंस केजीएफ 2 को बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और 4 साल बाद आई केजीएफ 2 को लोग बहुत ही ज्यादा पसंद किए। वही दोस्तों 100 करोड़ में बनने वाली केजीएफ चैप्टर 2 ने लगभग 1000 करोड़ से भी ज्यादा की टोटल कलेक्शन को बड़े आसानी से हासिल कर लिया। वही दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 के बाद फैंस केजीएफ के तीसरे पार्ट को देखने के लिए बड़े बेताब हैं। तो दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं केजीएफ चैप्टर 3 के बारे में। दोस्तों केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील ने केजीएफ चैप्टर 2 में एक ऐसा सरप्राइज छोड़ दिए हैं जिससे फैंस केजीएफ के तीसरे पार्ट को देखने के लिए बड़े बेताब हैं। दोस्तों केजीएफ 2 के क्लाइमेक्स में रॉकी भाई समुद्र में सारा सोना लेकर डूबते हुए दिखाया गया और तभी से लोगों के जहन में यह सवाल बैठ गया कि आखिर में रॉकी भाई जिंदा है या नहीं और रॉकी भाई अपकमिंग मूवी केजीएफ चैप्टर 3 में रहेंगे या नहीं। तो दोस्तों केजीएफ सीरीज में रॉकी भाई का मेन किरदार है, अगर ये नहीं रहेंगे तो फिल्म का महत्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मूवी के क्लाइमेक्स में रॉकी भाई को मरते हुए नहीं बल्कि डूबते हुए दिखाया गया, इसका मतलब रॉकी अभी जिंदा है। वही दोस्तों रॉकी भाई को पानी के नीचे से उनके साथी उन्हें बचा लेंगे और केजीएफ 3 में फिर से रॉकी भाई अपना जलवा दिखाने आएंगे। अगर दोस्तों बात की जाए केजीएफ चैप्टर 3 के रिलीज डेट की तो केजीएफ चैप्टर 3 को रिलीज होने में लगभग 2 से 2.5 साल का लंबा समय लग सकता है। अगर अनुमान लगाया जा रहा है कि केजीएफ चैप्टर 3 को लगभग 2025 या 26 में रिलीज किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों प्रशांत नील अपनी सल्लार फिल्म की शूटिंग में काफी ज्यादा बिजी हैं और केजीएफ 3 से पहले सल्लार मूवी को रिलीज करेंगे, उसके बाद केजीएफ के अगले पार्ट की शूटिंग होगी। अगर दोस्तों बात की जाए केजीएफ चैप्टर 3 में कौन से विलन रॉकी भाई को टक्कर देने वाले हैं तो केजीएफ चैप्टर 3 के कास्टिंग डायरेक्टर और फिल्म मेकर से यह खबर आई है कि केजीएफ चैप्टर 3 में मेन विलन साउथ के सुपर स्टार सूर्या शिवकुमार हो सकते हैं और बॉलीवुड के सुपर स्टार ऋतिक रोशन भी अपना मास्टर प्लान लेकर केजीएफ 3 में एंट्री लेने वाले हैं। और दोस्तों केजीएफ फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। खुशखबरी यह है कि केजीएफ फिल्म 3 पार्ट में नहीं सिमटने वाली है, क्योंकि फिल्म मेकर के बयान के मुताबिक केजीएफ 3 को 6 से 7 पार्टों में देखने को मिलने वाला है। नहीं, मैं नहीं मानता। और सभी में रॉकी भाई अपना जलवा दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों क्या आप भी केजीएफ के तीसरे पार्ट को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों केजीएफ से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।